गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द टेस्ट ऑफ समी किचन। सो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ घर में ही जलजीरा का शरबत। इसके लिए देखिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ ठंडा से फ्रिज में बोतल से पानी ले रही हूँ हाफ हाफ ग्लास, और यहाँ मैंने 2 नींबू का रस निकाल के रख दिया है और दोनों को फ्रेंड्स मैं पानी में मिला देती हूँ। और मैंने यहाँ चीनी का लिया है, काला नमक लिया है, तो मैं एक एक चम्मच इसमें काला नमक डाल देती हूँ फ्रेंड्स ग्लास में। और देखिए यहाँ पे मैं चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डालूँगी। अगर आप ज़्यादा चीनी मीठा पीते हैं तो ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं, और अगर कम चीनी पीते हैं तो कम मीठा पीते हैं तो कम चीनी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से मैं डाल लेती हूँ और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और यही मैं यहाँ पे मैं जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, जीरे को भून के मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसे मैं पानी में मिक्स कर देती हूँ। यहाँ मैंने कोल्ड वाटर लिया है फ्रेंड, जो कि काफ़ी ठंडा ठंडा है, कोल्ड कोल्ड है। इसमें मैं ये जीरा पाउडर को मिक्स कर देती हूँ। तो ये जलजीरा पाउडर हो गया फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है हमें। और इसमें मैं देखिए अब मैं इसको डालने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी और मिला देती हूँ फ्रेंड्स। तो नींबू के साथ जलजीरा का और काला नमक का एक अलग ही टेस्ट आता है अपना, जो काफ़ी चटपटा और खट्टा खट्टा फ्लेवर देता है हमें। आप चाहे तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च हल्का सा वो भी डाल सकते हैं, पर मुझे बिना मिर्च की पसंद है। और मैंने इसे लेमन से डेकोरेट किया है और थोड़ा सा मैंने धनिया भी यहाँ पर धनिया की पत्तियों से भी इसे गार्निश किया है। तो देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है, और पीने में तो ये शरबत काफ़ी अच्छा होता है, रिफ्रेशिंग ड्रिंक भी इसे बोल सकते हैं फ्रेंड्स। काफ़ी तरोताज़ा कर देता है मूड को। तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।